गुड आफ्टरनून विकास जी एंड राहुल जी, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? तो प्लीज़ टेल मी गाइज, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। सो जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है? और आज फिर से एक बार बहुत बहुत सारे शानदार क्वेश्चन के साथ आपके साथ आए हैं। तो चलिए, आई होप आप इंजॉय करेंगे आज के सेशन को। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आ रही है? विकास जी, राहुल जी, जल्दी से मुझे बताइए, नहीं आ रही क्या आवाज? क्या दिक्कत आ रही है बताइए तो। पुराना वाला मैसेज दिख रहा है मुझे। अच्छा, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिए ना, इतना लेट से मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, ठीक है? तो जल्दी बताइएगा तो चलेगा। हाँ, सब क्लियर है। ओके, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, सब कुछ ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले दिन करवाए थे उसी से है। बताइएगा स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस इज रेशियो ऑफ, जल्दी जल्दी बताइएगा। मैं तब तक इंक ले लेता हूँ इसके अंदर। एकदम मस्त, चलिए, वेरी गुड। स्टिफनेस जल्दी से बताइए। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ये ना बात हुई। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आज क्या हो गया, लोग कहाँ और चले गए बाकी के? ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर रिजिड बॉडी, स्टिफनेस फॉर रिजिड बॉडी, जल्दी से बताइएगा स्टिफनेस फॉर रिजिड बॉडी क्या होगा? व्हाट इज द स्टिफनेस फॉर रिजिड बॉडी? हाँ भाई, एनएफसी का एग्जाम डेट आ चुका है, बिल्कुल, वेरी गुड, 28 तारीख को है ना, ठीक है, इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी होगा ना। स्टिफनेस क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन आप ही बोला है, आपने ही बोला है, ठीक है। और जो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी, उसके लिए आप क्या जानते हैं कि इंग्रेशन तो इसके अंदर जीरो होता है, तो किसी मतलब सम टर्म डिवाइडेड जीरो, इन्फिनिटी, तो जीरो कैसे होगा, इन्फिनिटी होगा ना। अरे स्टार्ट है अंगद जी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, स्टिफनेस फॉर रिजिड बॉडी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इतना तक क्लियर है? अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये सब चीज़ तो देना। चलिए, ओके, एनएफसी के लिए क्या चाह रहे हैं? ओके, एनएफसी के एग्ज़ाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जितने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आपके एनएफसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मधुसूदन, जल्दी से तैयार हो जाइए और बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताइएगा, मैं अभी बारे में ही बता दीजिए, ठीक है ना, कीजिएगा यार, क्या उसके चक्कर में नहीं पड़ने का। एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एक न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, तो एक कंपनी है ना, वो फ्यूल को सप्लाई करती है एनपीसीआईएल के लिए, ठीक है, फ्यूल को सप्लाई करती है एनपीसीआईएल के लिए, जो तो फ्यूल को किस तरीके से, अब थोड़ी ना एनपीसीएल खुद अपने लिए फ्यूल बनाएगी, नहीं ना, उसके लिए फ्यूल तो चाहिए। जैसे हम लोग अगर देखें तो अपना पेट्रोल, हम लोग अपना अपना बाइक खरीदे, तो थोड़ी ना हम लोग रिफाइनरी अपना अपना खोलेंगे, उसके लिए आईओसीएल है ना। तो सेम टू सेम उसी तरीके से, हाँ, सेम टू सेम उसी तरीके से वो फ्यूल बनाती है और एनपीसीआईएल को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ज़्यादा जान के क्या खींचेगा, इतना ही काफ़ी है
है ना, और आपको जॉब हो जाए उसके बाद आप करते रहना ना। एक बार आप रिटेन तो क्लियर करो, इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कल कल कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे ना, रह गया था किससे, अपना मशीन फ्लूइड मशीनरी से आसाम का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कैपलन टरबाइन में नंबर ऑफ बकेट कितने लगे होते हैं, नंबर ऑफ बकेट इन कैपलन टरबाइन, या नंबर ऑफ ब्लेड बोल सकते हैं इन कैपलन टरबाइन, हाउ मैनी नंबर ऑफ बकेट यूज इन कैपलन टरबाइन, जल्दी से मुझे बताइएगा। इसके साथ ही साथ ये खट खट नहीं बंद होगा क्या आज, इसके साथ ही साथ जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 4 to 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 to 8, 4 से लेकर के 8 तक राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा क्या हो गया, आप लोग मतलब परसेंस नंबर ऑफ लोग मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, क्या दिक्कत है आगे, ठीक है। कैपलन टरबाइन के केस में 4 to 8 होता है। चलिए फ्रांसिस टरबाइन के केस में बताइए मुझे नंबर ऑफ बकेट इन फ्रांसिस टरबाइन, नंबर ऑफ बकेट इन फ्रांसिस टरबाइन। कैपलन के केस में आपने बताया, कैपलन के केस में 4 to 8, ठीक है। चलिए फ्रांसिस टरबाइन के केस में बताइएगा, फ्रांसिस टरबाइन के केस में नंबर ऑफ बकेट, बिल्कुल सही है राहुल, अंगद, मधुसूदन, ठीक है। 16 to 24 याद रखिएगा, 16 to 24, बहुत बढ़िया, ये सब तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए ना, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया ये दोनों केस में। अच्छा एक और होता है, नंबर ऑफ बकेट इन, या फिर नंबर ऑफ रनर इन इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन के केस में कितने होते हैं, इम्पल्स टरबाइन के केस में कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा मुझे। जल्दी से बताइए, अच्छा नहीं पता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसको मत याद कीजिए, ठीक है छोड़ दीजिए, ये पूछेगा भी नहीं, उसमें तो डबल स्फेरिकल होता है, हाँ ठीक है। तो पेल्टन व्हील के केस में मुझे बताइएगा नंबर ऑफ बकेट या फिर नंबर ऑफ रनर ब्लेड इन पेल्टन व्हील, नंबर ऑफ रनर इन पेल्टन व्हील जल्दी बताइएगा, पेल्टन व्हील के केस में कितने होते हैं, पेल्टन व्हील के केस में कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। पेल्टन व्हील नहीं पता, पेल्टन व्हील के केस में 6 होते हैं यार, पेल्टन व्हील के केस में नंबर ऑफ बकेट है, नंबर ऑफ रनर जो भी आप बोल सकते, 6 होता है, ठीक है याद रखिएगा, कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं स्वॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जल्दी से बताइए। इलोंगेशन इन बार ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, तो इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन इन बार, हाँ आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव, नो प्रॉब्लम, आइदर टेंसाइल, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ लोड और फोर्सेस जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपून ए ई,
चलिए मुझे जल्दी से बताइएगा, अगर आपके पास और कोई कुछ मिल रहा है, ठीक है पीएल भाई, ठीक है मुझे जल्दी से बताइएगा, अगर ये जो बार है ये तो प्रिज्मेटिक बार के केस में है ना? कौन सा बार? प्रिज्मेटिक बार के केस में है, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ विल बी सेम, दैट मेंबर इज नोन एज प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा सर्कुलर टैपर्ड सेक्शन अगर है, ठीक है ना, सर्कुलर टैपर्ड सेक्शन अगर ऐसा कुछ है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है डायमीटर, ठीक है, और इधर लोड इस पे P लग रहा है, इस पे भी P लोड लग रहा है, ठीक है ना, P लोड लग रहा है, तो इसके अंदर इलोंगेशन क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, इलोंगेशन ऑफ बार मतलब इलोंगेशन ऑफ कोनिकल या सॉरी सर्कुलर टैपर्ड बार, तो इलोंगेशन कितना होगा? जल्दी से बताइएगा, इलोंगेशन ऑफ 4 PL/πe D1 D2। चलिए वेरी गुड, क्या विकास ने जो आंसर किया है आप लोग एग्री कर रहे हैं, या फिर आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, बट अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप यस भी लिख सकते हैं कि हाँ एग्री, ठीक है। चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 4 PL/πD1 D2 × A, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा ए नहीं आएगा, किने बोला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं भाई? होश में रह के पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल इजी। तो सबसे पहले देखो, आपको टफ लग रहा होगा, मैं आपको इजी कर देता हूं। देखो इधर आप नॉर्मल फॉर्मूला क्या जानते हैं? PL/A जानते हैं ना, PL/A आप जानते हैं। चलिए मैं बोलता हूं कि आप PL/A ही जानिए, ठीक है, तो डेल एल इज इक्वल टू PL/A, और ए के जगह पे क्या हो जाएगा? π D1 D2 by 4, ठीक है, और into E, ठीक है ना, यही चीज तो सेम टू सेम, सिर्फ 4 को ऊपर ले गया, और एरिया क्या लिखा मैंने? π/4 D1 D2 π/4 D2, ऐसे भी आप जानते हैं, ठीक है ना, तो π/4 D1 D2 × E, क्या इसमें मतलब कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया? हाँ न्यूमेरिकल भी आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, तो ये सब भ्रम में मत रहिए, और ये सब चीज आप छोड़ के बढ़ेंगे ना, और एग्जाम में पूछ दिया तो आप हजारों बच्चों से ऐसे ही पीछे चले जाएंगे, इसलिए ये सब चीज छोड़ के नहीं जाने का, बिल्कुल ईजी तो है यार, कौन सा मतलब इतना टफ है कि हम लोगों को दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बताइए, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, लाइक्स कम हैं, व्हाई? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी बिहाइंड इट? जल्दी से बताइएगा, आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए रेडी हूं, तो फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको तो और तैयार रहना चाहिए पहले से, ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट क्या हो जाएगा? कौन कौन लाइक नहीं किया है भाई? WL² / 2 PL/2 AE, WL² / 2 E, ठीक है, याद रखिएगा WL² / 2 E हो जाएगा, WL² / 2 E, और ये किसके लिए? अगर प्रिज्मेटिक बार है हमारा, मतलब थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो उस केस में हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अगर इसके ऊपर मतलब इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट है, तो नीचे W लग रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा?
elongation, elongation is equal to WL square by 2E. गुड इवनिंग. चलिए ए में अपने आंसर की, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम यार. चलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम. दोनों होगा पी जी स्क्वायर बाई टू ई पी. ठीक है कोई बात नहीं. ठीक है चलिए अब मुझे बताइए इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल टेपर्ड बार ड्यू टू सेल्फ वेट. इलोंगेशन इन कॉनिकल टेपर्ड बार ड्यू टू सेल्फ वेट. इसके W लग रहा है, यहाँ का डायमीटर D1 है, इस जगह का डायमीटर D2 है, और ये ऊपर से इसे फिक्स किया हुआ है. ठीक है चलिए जी इसका इलोंगेशन बताइएगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम. ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम. डेल एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6e. आप ये भी याद रख सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल सही है, आप ये भी याद रख सकते हैं. डेल एल इज इक्वल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6e. ठीक है नो प्रॉब्लम. चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. बताइएगा स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स अस. गुड आफ्टरनून डियर राजेश जी, बताइएगा. ठीक है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स अस देता है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स अस. स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. सभी लोग आंसर करो ना, मैं एक लोगों का आंसर मैंने अभी देखा, बाकी लोग चुप हैं. क्यों आज हमारी तबीयत खराब है? आपको क्या हुआ? आप तो ठीक है ना? क्या भाई मतलब कुछ भी करते रहते हैं आप लोग. बिल्कुल सही तो है यार, क्या दिक्कत है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना जब देखो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है ना और यहाँ पे मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा मेरा जा रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इस तरीके से कुछ है मेरा. अब मैं बोलूं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे अगर इस लाइन का स्लोप बताओ तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. ठीक है ना यही बोलोगे ना. और आप जानते हो कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है आप जानते हो ना स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है ना उस जगह पे. और स्ट्रेस अगर इसको हम लोग हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. तो यहाँ पे ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन गिव्स अस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इन अदर वर्ड्स इट्स आल्सो कॉल्ड स्टीफनेस. इन अदर वर्ड्स इट्स आल्सो कॉल्ड स्टीफनेस. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? सो थम्स अप नाउ एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से थम्स अप करिए सभी लोग. चलिए ओके. बिहेवियर ऑफ मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है और इसके साथ ही साथ आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? बता मेरी तबीयत ठीक नहीं, आपको क्या हुआ? आप तो लाइक करो ना. ठीक है चलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप जैसे ही आते हो सबसे पहले लाइक करो और इंजॉय करो क्लास को. ठीक है सीखने की कोशिश करो जो हमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है ना चलिए कर दे. चलिए बताइए जल्दी से मुझे स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेस तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए स्ट्रेस. स्ट्रेस को आप क्या कैसे लिखेंगे?
स्ट्रेस को आप कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस पूछा है, व्हाट इज स्ट्रेस, तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनल रेसिस्टिंग पर रिस्टोरिंग फोर्स पर स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। वाह, अलग अलग तरीके का आंसर आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इंटरनल असिस्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्ट्रेन बताइए जल्दी से, स्ट्रेन बताओ। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही सब क्वेश्चन आएगा ना, और कौन सा? तीर मारने के लिए आएगा क्या? ये सब क्वेश्चन में जान है और आता ही है, हर एक बार आता है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए। चेंज इन एल बाई ओरिजिनल लेंथ, ये तो आपने बता दिया लीनियर स्ट्रेन, लेकिन मैंने पूछा था स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, इट्स नॉट ए स्ट्रेन, इट्स कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। सो आप बताइए मुझे स्ट्रेन क्या बोलेंगे। चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे तो मैं बोलूंगा चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो सब केस में अलग अलग हो जाएगा ना। बट इन सिंपल एंड ईजी वर्ड आप बोल सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये न हुई बात, बिल्कुल सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, नया सीखे, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है, और आप रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही, ठीक है ना। बहुत चीज़ आप जानते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर रहेंगे तो आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइएगा। मुझे बताइए शॉर्ट कॉलम किस चीज की वजह से फेल होता है? शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू क्रैशिंग, ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताइएगा लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग कॉलम फेल्स ड्यू टू, लॉन्ग कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मुझे बताइएगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा इन केस ऑफ, अच्छा मीडियम, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा बताइएगा, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ राहुल जी, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, बताइएगा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। ओ भाई नहीं पता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेन एनर्जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद कोई कुछ लोग, एक दो लोग तो कम से कम लिखना चाहिए यार, इतने लोगों में से अगर सभी को नहीं पता तो आप नियम टाइप करो, मैं बताता हूँ फिर, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड अंगद मधुसूदन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा सिग्मा जो स्ट्रेस वाला होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई टू ई और इन टू वॉल्यूम, ठीक है, चलिए। ये किसके कारण होता है? स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। चलिए अगर बताइए शियर स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा होगा, अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगे
तो यही स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो किसके कारण हो गया? डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। अगर यहाँ पे अपना शियर स्ट्रेस लगना शुरू हो जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इलोंगेशन, इलोंगेशन है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर लोड, या फिर शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, चलिए बहुत बढ़िया, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर स्ट्रेस हो जाएगा 2g, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर स्ट्रेस हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पे टाउ स्क्वायर लिख लीजिएगा ना, शियर स्ट्रेस, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस का साइन होता है, टाउ लिख लीजिएगा, ठीक है, टाउ स्क्वायर बाय 2g, टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू वॉल्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ये तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, उसका फार्मूला आपको बताना है। अच्छा, वो तो सिंपल यही हो जाएगा, छोड़ो, मुझे बताओ स्ट्रेन एनर्जी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, 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 मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। सेम फार्मूला नहीं होगा अंगद मधुसूदन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को, मेरे अगर शब्दों को आप समझेंगे ना तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। हाँ, प्रूफ रेजिलेंस होता है, ठीक है ना, प्रूफ रेजिलेंस होता है, स्ट्रेन एनर्जी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस होता है। तो बताइए क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। हाँ, ये बोल सकते हैं, और इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है ना, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बट नीचे भी एक वॉल्यूम आपका ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी लोगों को? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, और ऊपर में वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम पहले से भी एक अवेलेबल था, एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट गया, तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रूफ रेजिलेंस, या फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलिएगा इसको, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील। हाँ, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाता है। तो मुझे बताइएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील, रितेश रंजन, वेरी गुड। चलिए बताइएगा, मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, एग्जाम्पल बताइएगा, मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल, इट्स ओके रितेश जी, नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल,
सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट डक्टाइल मटेरियल भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? माइल्ड स्टील, प्लेटिनम, गोल्ड। गोल्ड ठीक है, चलिए सही है। मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि ड्रॉन इनटू वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड, इसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। तो क्या होता है? गोल्ड होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी, तो याद रखिए। बट ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज नहीं होता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको इस तरीके का रहे। हाँ गोल्ड ही होगा भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है ना। गोल्ड ऑल्सो मैलिएबल एंड ऑल्सो टेंसाइल, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम 70 जीपीए, रितेश जी 80 बोल रहे हैं, मधुसूदन जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और दोनों का दोनों अगर बोलें तो ऑप्शन में यही रहेगा, वेरी करेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप सिंपल कैसे याद रखिए, देखिए यहाँ पे माइल्ड स्टील का होता है ना, माइल्ड स्टील का सिंपल आप माइल्ड स्टील का याद रखिएगा, क्या होता है 210 जीपीए, ठीक है। तो आप पूछेगा आपसे कास्ट आयरन का, मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कास्ट आयरन का, तो माइल्ड स्टील का जितना होता है ना इसका 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। माइल्ड स्टील का जितना होता है 1/2, तो कितना हो जाए अप्रॉक्स 105 के आसपास हो जाएगा, 110 भी कभी कभी देता है, तो इट्स ओके, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम के केस में जो माइल्ड स्टील का है उसमें 3 से 1 कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें 3 से कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 70 जीपीए, ठीक है। चलिए और वुड के केस में मुझे बताइए आप लोग जल्दी से, वुड के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ वुड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ वुड, ऑलरेडी ये सब पूछता है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोम का क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। वुड का बताइए, वुड का 50 नहीं होगा यार, इतना ज्यादा होगा क्या, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वुड, हाँ 10 से 15 आप याद रख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो 12 जीपीए आप याद रखिएगा, ठीक है, 10 से 15 के बीच में होता है, तो आप 12 जीपीए याद रखिए जनरली, ठीक है। ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट मटेरियल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब चीज हो गया, हाँ जल्दी से मुझे रेन का, सर मेरा नेट चला गया था, इट्स ओके। चलिए जल्दी से मुझे बताइए रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला, रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला बोला जाता है या जॉर्डन फार्मूला भी कोई कोई बोलते हैं, तो जल्दी से मुझे बताइए तो रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला, रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला जल्दी से बताइए, रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, तब तक आप जल्दी से लिखिए, आई होप लंबा है थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा, जल्दी से लिखिए फिर भी, ठीक है। रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या होगा, अभी तक किसी ने नहीं लिखा, चलो रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला, रेनकाइन गॉर्डन फार्मूला, चलिए क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई
बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, यही होता है ना, सॉरी पाई स्क्वायर ई आई बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर यही होता है ना, मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए। ये यूलर है, अच्छा अच्छा यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा वो क्या होता है, सिग्मा इंटू ए वन प्लस, अच्छा ये तो यूलर का होगा, ओके सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इंटू ए ली बाई के स्क्वायर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये यूलर फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को मतलब सब कुछ याद है ना, वाह यार, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा हूँ, अगर बोथ एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। बोथ एंड फिक्स है, इफ बोथ एंड फिक्स तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। इफ बोथ एंड फिक्स, मैं बोथ एंड फिक्स बोल रहा हूँ मधुसूदन, आंसर केयरफुली, ठीक है। बोथ एंड फिक्स होगा तो एल बाई टू होगा ना, बोथ एंड फिक्स होगा तो एल बाई टू, ठीक है। चलिए बोथ एंड हिंज है तो क्या होगा, बोथ एंड हिंज है तो क्या होगा, बोथ एंड हिंज है तो क्या होगा इफेक्टिव लेंथ, बोथ एंड हिंज है तो क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया यार, तुम लोग समझदार लड़के हो लेकिन, ठीक है। बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज, चलिए जल्दी से बताइए, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री है तो क्या होगा। वन एंड फिक्स, वन फ्री है, वन एंड फिक्स अदर फ्री, वन इन फिक्स है अदर फ्री है तो क्या होगा। ट्वेल्व, ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट केस, वन एंड फिक्स एंड वन इन हिंज, वन एंड फिक्स एंड वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स एंड वन एंड हिंज, ट्वेल्व नहीं होगा धनी ज्योति, याद रखिएगा एल बाई रूट टू होगा, ठीक है। क्या होगा, एल बाई रूट टू। चलिए इफ वी से मटेरियल इज होमोजीनियस देन व्हाट इट मींस, होमोजीनियस है इसका मतलब क्या होगा। इफ मतलब हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि मटेरियल इज होमोजीनियस, प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, अच्छा तो फिर आइसोट्रॉपिक क्या होगा। मटेरियल इज होमोजीनियस तो क्या कहेंगे उसको, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा कि अगर आइसोट्रॉपिक बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, और जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से, 10 को 10 का आंकड़ा छूना है, मैंने बोला है आपको डेली, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जल्दी से मुझे बताइएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी आप बोल दीजिएगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, चलिए ठीक है, हाँ आइसोट्रॉपिक सेम प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड,
चलिए ये तो हो गया आपका होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक। अब मुझे बताइए स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बार ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपली आपको बताना है। स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रेन नहीं, थर्मल स्ट्रेस बताना है। राजेश जी जल्दी से बताइएगा, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, वेरी गुड, अल्फा डेल्टा टी, बहुत बढ़िया यार, आप लोग बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन बस इसी तरीके से लगे रहो ना यार, कोई रोकेगा नहीं रिजल्ट होने से। अच्छा इसमें से कितने लोगों को, कितने लोगों का एग्ज़ाम है एनएफसी का, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का एग्ज़ाम कितने लोगों का है, जल्दी से एक बार बता दीजिए तो पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों का है, और कौन कौन रांची आ रहे हैं, मैं भी रांची आ रहा हूँ, गुड न्यूज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं है आपका, ठीक है चलिए इट्स ओके, जिनका है आप बता दीजिए, विकास जी का है, ठीक है चलिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैं अदर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी मैं सिक्स सेमेस्टर, अरे भाई तुम सिक्स सेमेस्टर में हो, इतना पढ़ रहे हो क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, सब पाँच पाँच साल से बैठे हुए हैं रिजल्ट के इंतज़ार में, आप तो पहले से लगे हो भाई, चलो अच्छी बात है। मेरा लखनऊ यूपी, ठीक है कोई बात नहीं विकास जी, चलिए मुझे बताइएगा, मैं अब कुछ मशीन डिजाइन से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यस सर पूछिए, हम पाँच साल से, कोई बात नहीं मधुसूदन, अब की बार सब लोग पार, टेंशन लेना के नहीं, अभी बहुत टाइम है अपने पास, बहुत मतलब 2021 में तो बहुत लोगों का जॉब होगा, इसमें से चार पांच लोगों कम से कम जॉब होगा यार, इतने अच्छे आंसर कर रहे हैं, पता है बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता ये सब चीज़, आप लोग तो एटलीस्ट आंसर कर रहे हो, हिम्मत नहीं होता है बिना ऑप्शन के किसी को छूने का। अच्छा अच्छा तीन बार सेलेक्ट हुए हैं राजेश जी, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर होगा तो इसी क्लास में से ढेर सारे लोगों का होगा, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ रेगुलर पढ़ाई करने का एक टाइम के ऊपर। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, हेलिक्स एंगल फोर सिंगल हेलिकल गियर, हेलिक्स एंगल फोर सिंगल हेलिकल गियर, एक दिन और मैंने पूछा था, बहुत लोगों का गलती आंसर आया था, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ वो चीज़, हेल फोर सिंगल हेलिकल गियर, 30 डिग्री 20 से 35 बोल रहे हैं, 30 डिग्री, देखिए जो लोग 30 बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि हेलिक्स एंगल 30 डिग्री होता है ड्रिल बीट के केस में, ठीक है ना। अरे भाई अचानक से 9 लोग आ गए, चलो चलो जल्दी से सभी लोग लाइक करो, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो याद रखना भाई कि 30 डिग्री तो होता है हेलिक्स एंगल किसके लिए, ड्रिल बीट के केस में, तो आप ऐसे तो इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, और ब्रास के केस में हेलिक्स एंगल फॉर ड्रिल बीट लेस देन 30, ठीक है ना, चलो तो आपका आंसर तो गया काम से। यहाँ सिंगल के केस में क्या हो जाएगा, तो 20 से 35 डिग्री मधुसूदन जी ने बताया, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सिंगल हेलिकल गियर का हेलिक्स एंगल 20 से 35 डिग्री होता है, एंड इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर क्या होगा। अच्छा डबल के लिए 45 अब बता रहे हैं राजेश जी, बाकी के लोग आप लोग क्या बोलते हो, क्या होगा आंसर, डबल हेलिकल गियर इज आल्सो कॉल्ड हेरिंग बोन गियर ना, है ना, और इस गियर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए, हेरिंग बोन गियर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक स्पेशल पर्पस है यार इस गियर का, तो जल्दी से मुझे बताइए, मुझे आंसर चाहिए,
किस गियर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक स्पेशल पर्पस है। हेरिंग बोन नो एक्सेल थ्रस्ट, ये पर्पस नहीं है, ये भी पर्पस नहीं है, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस है इसका, जिसके कारण इसको यूज करते हैं डबल हेलिकल गियर को। देखिए इसलिए यूज करते हैं इसको क्योंकि ये लार्ज रिडक्शन स्पीड देता है, लार्ज स्पीड रिडक्शन देता है, इसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं, लार्ज रिडक्शन इन स्पीड, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये लार्ज रिडक्शन इन स्पीड देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से स्पीड रिडक्शन करता है। और अच्छा, लार्ज रिडक्शन के लिए वॉर्म गियर का यूज होता है, अच्छा हाँ मैंने वॉर्म गियर, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, हाँ वॉर्म गियर का यूज होता है यार, मतलब हेयरिंग बोन और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, हाँ वॉर्म गियर का यूज होता है, ठीक बोले, ठीक है ना। और ये नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, रिड्यूस एक्सियल थ्रस्ट के लिए यूज किया था, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग, ठीक है। और इसके लिए किसके लिए होता है, आप याद रखिएगा, वॉर्म गियर हाँ स्पीड रिडक्शन, ठीक है, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू मधुसूदन, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आज इंटरव्यू के लिए कौन कौन रेडी हैं, हाँ आज इंटरव्यू के लिए कौन कौन रेडी हैं, हाँ 300 रिसीव वन देता है, हाँ ठीक है ना, आज इंटरव्यू के लिए कौन कौन रेडी हैं, जल्दी से IMS@ मधुसूदन भाई, चलिए 3 लोग रेडी हैं, चलो अच्छी बात है। तो आज आपका इंटरव्यू सेक्शन होने वाला है 3:30 बजे से, ठीक है ना, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देना है, कितने बजे से, टाइम याद रखिए 3:30 बजे से 3:30 पे, ठीक है ना। मैं लिंक भेज दूंगा, सभी लोग जूम पे मिलिए और वहीं पे होगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक जगह मैं और सोच रहा हूँ, टीचमेंट करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया है, तो आप बोलेंगे तो आपके लिए वहाँ पे भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज ही मैंने एक दोस्त मुझे बता रहा था कि इस पर क्यों नहीं आता, तो मैंने किया फिर, ठीक है, आप बोलेंगे तो, अभी कोई चार्ज नहीं लगा उसके लिए, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ व्हाट इज टीचमेंट, अच्छा टीचमेंट एक एप्लीकेशन है भाई, टीचमेंट एक एप्लीकेशन है जिस पे ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा, तबीयत ठीक नहीं है, मैकेनिकल का कट ऑफ, अरे यार पिछले बार तो 140 प्लस चला गया था, इस बार का पता नहीं, सब बैठ के पढ़ ही तो रहा है, अच्छा 156 ले आए हैं, वाह मधुसूदन वेरी गुड। टीचमेंट है, इंडियन एप्लीकेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो जूम चाइनीज, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे तो वहाँ पे करवा देंगे और उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कि बोले पैसा लेगा इसलिए ऐसा बोल रहा है, नहीं लेंगे पैसा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए ये तो हो गई आज की बात, अब क्या करें, चलो अब मिलते हैं हम लोग 3:30 बजे, है ना, आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऑलरेडी 50 मिनट हो चुका है, ठीक है ना। आप लोग अपना, अच्छा आप बताओ कि टीचमेंट पे आओगे या फिर जूम पे, अभी बता दो मुझे, अभी टीचमेंट पे आपको 3:30 बजे मिलना है कि जूम पे, बताइए कौन से एप्लीकेशन पे, यूट्यूब मतलब इंटरव्यू का सेक्शन रखा जाए, जिस पे आप बोलें नेट जिसमें कम लगे, बिल्कुल टीचमेंट में कम लगता है नेट, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जिसमें बोलो
जूम आज डाउनलोड किया है, कोई बात नहीं अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, चाइनीज है पैसे भी है। टीचमेंट पे आया जाए क्या, दोनों में कम ही लगा है। अच्छा मुझे क्लियर बताओ भाई किस पे आना है, और अभी मैं सबका प्रोफाइल बना रहा हूँ, अभी तुरंत मैसेज कीजिएगा मुझे, ठीक है, अभी तुरंत मैसेज कीजिएगा, जिसने जिसने करना है वो अभी तुरंत मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और टीचमेंट पे आते हैं, ठीक है। अरे भाई एक लोग बोल रहे हैं जूम पे, एक बोल रहे हैं टीचमेंट, मैं फिक्स करता हूँ टीचमेंट पे आओ, ठीक है, टीचमेंट पे आइए 3:30 बजे, मैं अभी कुछ देर में आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आप मिलिए मुझसे कितना बजे, 3:30 बजे टीचमेंट पे, और वो सिर्फ वहाँ पे मैं आधे घंटे का क्लास रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए आप टाइम से पहले ज्वाइन कर जाना, ठीक है, क्लास कोड भेज देंगे अभी। भाई टीचमेंट हम कभी, हाँ लिंक करोगे, लिंक कहाँ सेंड करोगे, व्हाट्सएप में राहुल कश्यप आप मुझे मैसेज करिए अभी तुरंत, मैं उस ग्रुप में नहीं डालूंगा, ठीक है ना, बिकॉज वो ग्रुप में बहुत लोग ऐसे ही ज्वाइन किए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसमें नहीं डालूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा जल्दी से, आपके पास मेरा नंबर होगा ही ऑलरेडी, आप यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ पर जा करके मुझे मैसेज कीजिए, और मिलते हैं टीचमेंट पे, याद रखिएगा टीचमेंट पे मिलेंगे, जूम पे नहीं। मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ कुछ देर में, ठीक है, ओके डन। अच्छा कल का कौन सा टॉपिक रहेगा मुझे बताइए, सोम से और पूछें कल, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, कल का टॉपिक क्या रहेगा जल्दी से बताइए, फिर मैं अपने मन से करता हूँ तो फिर आपका ऊपर से जाने लगता है, तो उस केस में दिक्कत होती है, कल का टॉपिक कौन सा रहेगा जल्दी से मुझे क्लियर कीजिए, कल का टॉपिक क्या रहेगा मुझे क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर अपने मन से कर देंगे, क्या दिक्कत है, अभी और सोम चलिए, चलिए ठीक है कल सोम ही रखते हैं, अभी और सोम है, अभी बहुत क्वेश्चन है यार, इतना में खत्म थोड़ी हो गए, ठीक है अभी सोम ही रखते हैं, चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं 3:30 बजे टीचमेंट पे, ठीक है, चलो ठीक है, टीचमेंट पे मिलते हैं, बाय।